इसी को कहते हैं गठबंधन की सरकार, और सारा दुख दर्द यहीं से चालू हो जाए। भाई हमारा साथ दे दो, 30 दिन टाइम है, यहीं से शुरू होता है करप्शन। मोदी जी आए अकेले 300 से ज्यादा, बहुमत की सरकार अच्छा भी है और जरूरत से ज्यादा बहुमत जनता के लिए खराब भी। हालांकि राष्ट्रपति कभी भी अपना दिमाग का यूज नहीं करता है, बस एक शर्त है विवेकाधिकार शक्ति। जब कभी भी लोकसभा का चुनाव हो और किसी को भी अस्पष्ट बहुमत, बहुमत का मतलब होता है 50% सीट, वर्तमान 545 का 50% निकालेंगे तो 273 होता है। तो यानी अगर आपके पास सरकार बनाना है तो लोकसभा में बहुमत अर्थात 1/2 वोट, यानी वर्तमान 245 का 1/2 करेंगे तो 273, 545 का करेंगे तो आधा, तो कितना आएगा 200, इतना वोट आपके पास होना चाहिए, इतनी सीटें होनी चाहिए, इतना सीट रहेगा आप क्या बन जाएंगे प्रधानमंत्री। लेकिन अगर इतना सीट किसी को नहीं मिला, जैसे कोई पार्टी है ए, इसको मिला 200 सीट, कोई पार्टी बी है इसको मिला 210 सीट, कोई पार्टी है सी जिसको मिला 5 सीट, कोई डी है जिसको मिला 30 सीट, कोई पार्टी ई है जिसको मिला 15 सीट, ऐसे करके किसी की सरकार बनेगी? इस कंडीशन को कहते हैं त्रिशंकु। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? त्रिशंकु। क्या कहा जाता है? त्रिशंकु। अब बताइए सरकार कौन बनेगा, तुम बताओ जीवित कंकाल। 210 वाला समझिए, राष्ट्रपति अमूमन बुलाते हैं जिसके पास ज्यादा सीट हो, लेकिन यहां राष्ट्रपति पे कोई नियम कानून काम नहीं करे। राष्ट्रपति अपने दिमाग का प्रयोग करेगा और किसी एक को कहेगा कि हम तुम्हें 1 महीना के लिए प्रधानमंत्री बनाते हैं, लेकिन 30 दिन के अंदर अंदर तुम कुछ करो, हमको 273 दिखा दो, यानी बहुमत सिद्ध कर दो। तो 30 दिन के लिए जो प्रधानमंत्री नियुक्त करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्र। उसका मन करेगा वो ए को नियुक्त कर देगा। किसे नियुक्त कर देगा? ए को। मन करेगा सी को कर देगा, सोचा तुम ही ले आओ, लेकिन फिर लोग उसको गरियाने लगेंगे, पगला बैठ गई लो, संग में आ गई कि नहीं, तो अपनी भी तो इज्जत है कि नहीं। आप सी को नियुक्त कीजिएगा तो राष्ट्रपति कैसे नियुक्त कर देगा? संग में गए, जैसे जगमोहन किसको नियुक्त करोगे? 210 वाला को। हाँ ठीक है, आप लोग लड़की लोग, हाँ ठीक है, सही है, सी सी बोलिए सर। हालांकि सी को भी कर सकता है, लेकिन फिर फजीहत ज्यादा हो जाएगा। तो बी 1 महीना बाद तो हटी जाना है, तो कितने दिन के लिए? 30 दिन। कितने दिन के लिए? 30 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर उस नियुक्त राष्ट्र प्रधानमंत्री को कुछ भी करके 273 पूरा करना है, 273 पूरा करना है। इसी को कहते हैं गठबंधन की सरकार, और सारा दुख दर्द यहीं से चालू हो जाता। मान के चलिए 273 है, 210 है इसके पास, और किसी के पास मान के चलिए इसके पास 50 को सीट है। कितना सीट है? 50 कर दिए उसको, 50 सीट है। अब बताइए अकेले भी सरकार बना पाएगा? और राष्ट्रपति उसको शपथ दिला दी है प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री के शपथ दिला दी, किस शक्ति के तहत? विवेकाधिकार, क्योंकि विवेक लगाए कि ये लगता है पूरा कर सकता है। समय कितना दिए? 30 दिन। और कह देते तुम्हें हमने मैक्सिमम 30 दिन दिया, तुमको जिस दिन लगेगा कि तुम 273 पूरा कर सकते हो उस दिन तुम फोन कर देना, हमको आ रहा है पहाड़ी पे, रायसीना की पहाड़ी पे। 30 दिन के अंदर मान के चलिए आपका 1 दिन में गठबंधन बन गया, लेकिन चल जाइए 30 दिन वेट क्या करेंगे? फिर पता चला कोनो बाला फुसला के लेके भाग जाएगा, बड़ी जल्दी बिक जाते हैं सब, नहीं सब किसान थोड़े है सब जो 2 साल तक टिक जाएगा सब लाल किला पे। किसान सब टिक गया था सब कितना दिन? तो 2 साल तक, 1.5 साल तक। गर्मी बिता दिया सब, बरसात बिता दिया, ठंडा बिता दिया, अरे कोरोना भी उसी टाइम पे था यहाँ पर, और डिवाइडर जो था ना उस पर कुदारी ले जाके कोड़ के आलू बो दिया, सड़क के किनारे सब्जी बो दिया था गाजीपुर बॉर्डर पे, समझाएंगे नहीं किसान सब वहाँ पे। तो 1.5 साल तक टिक गया सब, हालांकि उधर का किसान टिक भी सकता है सब, यूपी हरियाणा पश्चिमी यूपी और पंजाब, हमारे यहाँ के किसान का तो खून निकाला जा चुका है, वहाँ कुछ नहीं बचा हमारे यहाँ के किसानों के पास, यहाँ उसको कुछ नहीं पता। अब एक पता नहीं है कि भागलपुर के किसान को कि मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा कौन सी फसल बोई गई है। सोचिए निर्वाचन आयोग ये बता देता है कि इस गांव से कितना वोट पड़ा है, एक परिवार में परिवार परिवार ने गिन के बताना होता है कितना वोट पड़ा है, लेकिन भारत सरकार को इतना बड़का खेत ना दिखता है कौन सी फसल बोई गई है। भारत के लोगों को भुगतना पड़ता है, प्याज कभी से सुरा 200 रुपया किलो, कभी 25 रुपया है कि नहीं। अब 200 रुपया किलो हुआ, किसान बोया अगली बार बेचेंगे तो 25 हो गया, ये बहुत समस्या है उसके यहाँ पर। तो बताइए ध्यान से इसको कितना दिन समय दिया है? अब ये हाथ जोड़ेगा भाई सी आ जाओ ना, 260 हो जाएगा, अब भाई ई दो लोग तुम लोग कैसे भी साथ दे दो, तुम 50 दे दिया तो हम जोड़ के हो जाएंगे 260, अब 15 को आ गया तो 275, और चाहिए कितना? 200। भाई हमारा साथ दे दो, 30 दिन टाइम है। तो बी और ई हमारा का मिल तो
हमको क्या मिलेगा। सी भी कहेगा कि हमको क्या मिलेगा, हम भी साथ दे सकते हैं। कहा जाएगा तुमको मंत्रालय दे देंगे, शौचालय मंत्रालय कधर। अरे ना ना, आओ आओ आओ, आओ, आओ बताते हैं, आप बता। सड़क परिवहन, सड़क परिवहन, सड़क बनाएंगे, बिजली के ऊपर जो तो पोल का पैसा है, जो लाइट उठ है वो खा जाएंगे। नहीं समझ में आ गया, हो गया कि नहीं? ऐसे थोड़े खाया जाता है। सड़क जा रही है इधर से, इधर दो गो पुल आ रहा है, एन्ने से घुमा रहे, दो गो पुल का पैसा एन्ने चल गया सड़क एन्ने। देखे हैं कभी कभी ऐसे ऐसे जलेबी लेके चल जाता है, हो गया यहाँ पे। अब डिपेंड करेगा कौन कितना पैसा दे रहा है। ई को कहेगा कि हम आपको 50 सीट दीजिए, 4 गो मंत्री देंगे। इसे कहेगा तुम 15 को दे, तुमको 2 गो मंत्री देंगे। इसी पे सारा सिस्टम होता है। और उसके बाद राष्ट्रपति के पास पहुंचा जाएगा 30 दिन के अंदर, राष्ट्रपति जी 273 हो गया यहाँ में, सफेद कुर्ता सिवाएगा सब, मस्त चल दिया यहाँ, नहीं समझ आ गया, मस्त पहन गया, प्रधान बन गया प्रधानमंत्री। यहीं से शुरू होता है करप्शन, क्योंकि ये 2 गो अगर अपना सरकार खींच लेगा सबना, सरकार गिर जाएगी। इसलिए इनको 10 रुपया के जगह 15 रुपया भी लूटना पड़े ना, तो सरकार को कई बार आंख बंद करना पड़ता, वरना सरकार गिर सकती है। तो गठबंधन अच्छा भी है और गठबंधन खराब भी है। अगर गठबंधन का मौका ना दिया जाए तो बार बार चुनाव होते रहेगा और देश का पैसा बर्बाद होगा और हम लोग बार बार लड़ेंगे, क्योंकि जब जब चुनाव आएगा तो इन सबको याद आएगा कि हम कौन जात के हैं। नेता का अलग जाति होता है, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, नेता हीरो क्रिकेटर, ऐसे कई गो जातियां हैं। हम लोग बस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जोड़ते हैं ना, वैसे ही नेताओं की अलग जाति है। वो कुछ करेगा, कोनो कोकना से ब्याह हो जाएगा, कोनो कुछ चल जाएगा, वो करा दिन भर गरियाएगा फिर जाके खाना खाएगा, समझ आ गया कि नहीं? हम लोग के लिए सारा नियम कानून हम लोग पे थोप देता है, उन सब का अलग दुनिया है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो राष्ट्रपति का पावर पहले देखो, प्रिंस शाह कह रहा है कि अब लगा कि राष्ट्रपति को भी पावर है। विवेकाधिकार शक्ति में कितने विवेकाधिकार से, कितने दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दू। यही होता है क्या चीज, गठबंधन। क्या होता है? गठबंधन। कांग्रेस जो गठबंधन लेती है उसका नाम रखती है UPA, और बीजेपी जो गठबंधन बनाती है NDA। कौन? NDA, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। कौन बनाता है? कांग्रेस। कितनी बार शासन किया? 2 बार, 2004 से 2009 और 2009 से 2014। 2 बार UPA ने शासन किया है। अकेले कांग्रेस किए कि गठबंधन करके? गठबंधन। आज जितना घोटाला हुआ था ना, सब गठबंधन वाला कर दिया था सब। जितना घोटाला हुआ था ना, ले ओके मार गठबंधन। अब मनमोहन सिंह क्या करे, ज्यादा ही बोलिए कह देगा घोटाला, समर्थन वापस चल दिया। अरे महाराज चलिए थोड़ा सा, ये सब क्या कर रहे। मोदी जी आए अकेले 300 से ज्यादा, 306 है अकेले, बताए 303 है ना जी, अकेले लेके चला है। 2 गो चलियो जाएगा, 2-3 गो मरियो जाएगा, बीमारों पड़ जाएगा, रूठ जाएगा, घुसिया जाएगा, तब वो मार्जिन से ज्यादा है, तनी कोई चूचा करे। हाँ, तो सरकार बढ़िया नहीं, मतलब बहुमत की सरकार अच्छा भी है और जरूरत से ज्यादा बहुमत जनता के लिए खराब भी है, आपकी कोई जरूरत नहीं रहेगी, समझ में आएगी? नहीं तो बताइए, NDA कितनी बार शासन किया? 2 बार, 2014 से 2019 और 2019 से 2024 तक। तो UPA 1 UPA 2, NDA 1 NDA 3, NDA 2। अब 2024 में क्या होगा? इलेक्शन होगा। अगर बीजेपी के नेतृत्व में आती है तो NDA 3 हो जाएगा, और नहीं तो अगर UPA के नेतृत्व में आएगी तो UPA 3 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? तो राष्ट्रपति का विवेकाधिकार शक्ति है कि नहीं है? लेकिन केवल एक कंडीशन में, जब लोकसभा क्या हो जाए? त्रिशंकु। लोकसभा क्या हो जाए? त्रिशंकु।